अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैफ अहमद एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तानी मून बॉय एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड दिस इज़ जूनिया, ये जूनिया शीमेल है। पहले इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ चलें जी, आपको दिखाते हैं, हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये एक हमारे पास आज कल आई थी ये बिच। कल माइक्रोस्कोप पे तो नहीं चेक किए थे फिर वो जो डॉक्टर ज़ारा छोड़ी रही थी? नहीं कोई नहीं, वो नहीं चेक किए अभी। तो करना यार जा रहे हैं, अभी करते हैं चेक। आज हमने स्लाइड्स चेक करनी है, अभी टाइम मिलेगा तो हम वो करेंगे। और आज इसकी भी स्लाइड बना लेंगे ली। इसकी भी हम स्किन स्क्रैपिंग लेंगे ना, स्लाइड बना लेंगे। बेचारी देखें, इसको पूरे की पूरी स्किन डिजीज और मेंज है, और इसको टेम्परेचर था, इस पर टिक्स भी हैं, फ्लीज भी हैं, इसको बहुत सारे मसले चल रहे हैं। तो अभी इसका भी आज हम ट्रीटमेंट करना है। ये हमारी जो बिच है ना, ये इसको कहते हैं एफ जे मदर, और ये इसके सर्जरी हुई थी और इसके बाद के ये हम इसको एंटीबायोटिक्स लगवा रहे हैं। ये कभी कभी बहुत तंग करती है और कभी कभी काफ़ी शरीफ बनी रहती है। और इसका बच्चा है वो, जिसको ना वो हुआ है प्रोलैप्स, उसकी भी सर्जरी है कुछ दिन में। तो अभी इसको एंटीबायोटिक्स लगाने के बाद ये देखें, इसकी फिर वो जो है ना ज़ख़म वो भी साफ़ करते हैं इस तरह से जी। ये इसका ज़ख़म साफ़ करना पड़ता है, देखें ये बिगड़ जाती है कभी कभी। कभी कभी ये बहुत आराम से अपना ज़ख़म साफ़ करवाती है। एक्चुअली थोड़ी सी इरीटेशन होती होगी जब वो टिंचर या इस तरह की चीज़ें स्पिरिट वगैरह उस पर लगता है ना ज़ख़म पर, लेकिन क्या करें, हमें इनके भले के लिए ये करना पड़ता है। वरना तो इनका ज़ख़म अगर ऐसे साफ़ ना करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सर्जरी होने के बाद और स्टिचेस लगने के बाद वो अगर उसको साफ़ ना किया जाए प्रॉपर तो उसका क्या हाल होगा। तो ये देखें जी, ये वो पप्पी है जिसका पीछे से प्रोलैप्स हुआ है डायरिया की वजह से। तो इसको भी अब हम ठीक करना है। और वो हमारे सामने प्यारे प्यारे डॉग्स बैठे हुए हैं सारे, मेरे ख्याल ये ना खाना खा के तो बैठे हुए हैं। तो चलें जी, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राइट मैन, क्या कर रहे हो? गुड गर्ल, इसको एंटीबायोटिक लगा दे पहले। राइट मैन, हिलना नहीं है। थोड़ा नीचे करिए सर, इसका ये ना इसके कॉलर बनाया है, इसके कॉलर हमेशा ये वाइट मेंज का इंजेक्शन लग रहा है। ये एंटीबायोटिक्स चल रही हैं इनकी क्योंकि इनकी सर्जरीज हुई हैं। इसकी भी फ्लैंग थी? नहीं, दूसरी अप्रोच थी ना, इसलिए काम खराब हो गया इसका। वाइट मेंज, डोंट डू दिस, हाँ गंदी बच्ची। ये देखें, ये स्वीटी है और इसको भी इंजेक्शन लगा, इसने बहुत ड्रामे किए हैं इंजेक्शन में, इसलिए भी हमने इसे पकड़ा हुआ है। और अभी इसकी ये देखें पूंछ वाल उठा के इसके ज़ख़म साफ किए जा रहे हैं। बहुत तंग करती है ये, देखें कैसे बैठी हुई है, ये मैं बहुत तंग करती है। और इसका ऊपर से ज़ख़म भी ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए दुआ कर दें सारे ताकि इसका ज़ख़म जल्दी ठीक हो और ये हमारी स्वीटी ठीक हो के घर जाए, बच्चे दे अपने, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटियाँ पैदा करें। क्यों डॉक्टर अली? बिल्कुल ऐसी बात है यार। ये जो हमारी वाइट मेंज है ना, ये ठीक नहीं हो रही बेचारी, इसको काफ़ी सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो अभी अब इसकी जो है ना ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं और फिर इसकी चेक करते हैं कि ब्लीडिंग का क्या हिसाब है, एचपी वगैरह कैसा है इसका। तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट जो है ना देखते हैं इसका क्या अप्रोच करना है। तो अभी इसकी ब्लड रिपोर्ट के लिए सैंपल लेने इसलिए खड़ी है ये। और अभी मैं अपनी जो है ना, ये जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल के एनिमल्स होते हैं ना, तो उनका जो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उन सब के अलग से हम फाइल में एंट्री कर देते हैं। तो हर एनिमल का अलग से
एक परफॉर्मा होता है तो जिसके ऊपर हम उसकी जो जो उनको ट्रीटमेंट हो रहा है, जितना टेम्परेचर सब चीज़ें, तो वो हम लिख देते हैं। तो मैंने सोचा अभी मैंने सब कुछ कर लिया और मुझे याद भी है, तो अभी मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ। तो वही बस मैं लिख रहा था इसमें, और साथ जो है बाकी की जो एंट्रीज इसके बाद के ट्रीटमेंट होंगे वो मैं शाम के टाइम में एंटर कर दूंगा इसमें। और ये देखें, ये डॉक्टर अली जो हैं, इसकी वो जो हमारा 3 लेग्ड पप्पी था जिसकी 3 टांगें हैं, एक टांग हमने काट दी थी क्योंकि उसको वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था तो वो काटनी ज़रूरी थी। तो ये उसकी ज़ख्म की AST कर रहे हैं, उसका ज़ख्म है। और साथ में आजकल इसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, तो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा केयर की जा रही है ताकि ये दोबारा ठीक हो जाए। और ये देखें, ये है हमारा क्यूट बकरा, बेसिकली इट्स अ शीमेल बकरा है, शीमेल बकरी है ये, इसका नाम जूनिया है और काफ़ी प्यास लगी है इसे। और ये देखें क्यूट सा बच्चा हमारा, ये वो प्रोलैप्स वाला बच्चा है, इसको ड्रिप लगा रहे हैं बेचारे को शोने को, इतना प्यारा है ये, और इसको ड्रिप लगाइए ताकि इसकी डिहाइड्रेशन बेटर हो। लेकिन ये टिक के ज़रा नहीं बैठ रहा है, बार बार इसको इधर उधर भागने की जो है ना पड़ी हुई, इसको ज़रा सा छोड़ो भाग जाता है। तो इसलिए मैं कुर्सी डाल के इसी के पास बैठा हूँ ताकि कहीं ये सरकार जो है हमारी इधर उधर ना भाग जाए और इनके ट्रीटमेंट जो है फिर ख़राब ना हो जाए। इसके बाद ड्रिप लगा के मुझे ना माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स भी चेक करनी है। ये जी, ये उसकी स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको सुबह बताया था, एक वो काली जो न्यू हमारे पास मेंज वाली डॉग आई है, तो ये उसकी हमने स्लाइड बनाई थी आपके सामने। तो ये देखें, ये नीचे जो है ना आपको 2-3 ब्लैक कीड़े जो है ना ये नज़र आ रहे होंगे हिलते हुए, तो यही वो कीड़े हैं जो आपकी स्किन डिजीज़ में होते हैं और आपके बाल ऊपर से उतरना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली जो एलोपेशिया होता है।